गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की जो रिमेनिंग एप्लीकेशन रह गई है। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने क्लियर कर लिया था टू डिटरमाइन ईएमएफ और वोल्टेज ऑफ अ प्राइमरी सेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल एंड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, राइट। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन नहीं देखा है, पोटेंशियोमीटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, उसका वर्किंग क्या है और फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम आगे बात कर रहे हैं, सेकेंड एप्लीकेशन से बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम था, तो डायग्राम हमारा वो ही रहेगा। मैंने कहा था डायग्राम में नीचे का पोर्शन ही चेंज होगा। एप्लीकेशन टू की बात कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे अपने पेन कॉपी लेके अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। एप्लीकेशन टू हेडिंग बनाए, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना है। तो बच्चों ये हमारे पास प्राइमरी सेल है, ये ड्राइवर सेल है, ये हमारा एमीटर है, रियोस्टेट है, ये कॉपर स्ट्रिप है, वुडन स्केल है और ये फोर वायर हैं। मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर में टू वायर, थ्री वायर, फोर वायर, सिक्स वायर, ट्वेल्व वायर तक पोटेंशियोमीटर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि 12 वायर का, 6 वायर का, 4 वायर का, 2 वायर का, 1 वायर का, लेंथ का पोटेंशियोमीटर पे क्या इफेक्ट होता है, वो सेंसिटिविटी में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है, आज मैं रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को R1 से लिख रहा हूं। और यहां पे हमें क्या करना है, सेकेंड एप्लीकेशन में मैंने कहा था पोटेंशियोमीटर का पोर्शन इसके ऊपर का है। बच्चों जब भी हमारी एप्लीकेशन चेंज होगी तो नीचे का पोर्शन चेंज होने वाला है, तो यहाँ का पोर्शन चेंज होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं और विदा की ये इस बैटरी के पैरेलल में लगाते हैं। ये की हमारा है के और ये रेजिस्टेंस आर है। आज हमारा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस R1 है, ध्यान रहे। और जो स्मॉल आर हमारा रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियोमीटर की फोर वायर का टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर हमें कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला तो मैंने वैसे आपको डिस्कस कर ही दिया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, इस जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर। स्लाइड करते समय इस आप जॉकी को ए से बी, फिर सी से डी, ई से एफ, जी से एच तक स्लाइड करेंगे, मतलब कि टच करेंगे। स्लाइड तो क्यों नहीं करेंगे, मैंने क्लियर कर दिया था, टच करेंगे ऐसे। जहां पे ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो पॉइंट नोट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज, सॉरी ये स्मॉल आर नहीं है, आज स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कल वाली जो एप्लीकेशन थी उसमें इन वायर का स्मॉल आर था और इसका आर था, आज इसका आर नहीं है, इसका कैपिटल आर नहीं है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। तो आज हमारा आर ये है, स्मॉल आर ये है, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी सेल वो सेल होता है जिसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, एक बार चार्ज करते ही, एक बार यूज करते ही उसको हमें थ्रो करना पड़ता है, जैसे डेनियल और लेक लांचे सेल का एग्जांपल दिया था बच्चों मैंने। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे की को ओपन करके, ठीक है। फर्स्ट है व्हेन की के इज ओपन, और जब ये की ओपन रहेगी तो हम क्या करेंगे, इस जॉकी को टच करेंगे डिफरेंट पॉइंट पे, ए टू बी, सी टू डी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा।
सपोज करो वो पॉइंट है जे, व्हेन की के इज ओपन देन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट जे। तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया जे पे। सपोज करो ये लेंथ है एल वन, ठीक है। तो जब इसने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया तो ये की तो ओपन है बच्चों, तो इस वायर में कोई करंट नहीं है, ये टेंशन खत्म हो गया। गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया मतलब कि इस वायर में भी कोई करंट नहीं है, सिर्फ जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका ये मेन सर्किट बचा हुआ ये वाला दिस वन। तो यहां कोई करंट नहीं है क्योंकि ये ओपन है, इसमें भी कोई करंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो जब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया गया, यहाँ कोई करंट नहीं है तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं होगा, तो ये जो वोल्टेज होगा टोटल वो इसके वोल्टेज के इक्वल होगा। लेकिन जब मैंने कहा था आपको, जब हम किसी सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते तो उसको ई लिखेंगे, तो आज इस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, ये वाला रजिस्टर इस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, तो इसका ईएमएफ होगा। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों ई डायरेक्टली टू एल वन, ई या वी, लेकिन ई क्यों लिखा है क्योंकि जब तक सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते तो ई लिखेंगे। कल वाले कंडीशन में ई और वी सेम था, लेकिन आज ई और वी डिफरेंट होगा क्योंकि जब इसे क्लोज करूंगा तो रीडिंग अलग आएगा। तो ये जो इस सेल का ईएमएफ है ये कैपिटल ई है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, स्मॉल ई से लिख लो, ठीक है। तो इसका ईएमएफ है ई, ये ई डायरेक्टली टू एल वन हो जाएगा, डायरेक्टली को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट आ जाएगा ये, ठीक है। ई हो जाएगा के एल वन हो जाएगा, कैपिटल ई ये है और ये स्टाइलिस ही इसके लिए यूज कर रहा हूं। दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, इस की को क्लोज करेंगे। अब क्लोज करेंगे तो सपोज करो आपको जीरो डिफ्लेक्शन बच्चों यहां कहीं मिलता है और वो लेंथ मान लो एल टू। जब हम इस की को क्लोज करके यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, जो की को टच करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे, तो समझो कि वो बैलेंस पॉइंट कहाँ दिखा रहा है, जे पे नहीं दिखा रहा, एक नया पॉइंट जे डैस हो गया, ये वाला पॉइंट जे है। तो जे डैस की लेंथ क्या है, एल टू। व्हेन की इज क्लोज देन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट जे डैस, और जे डैस पे लेंथ कितना है सपोज करो वो एल टू है। आप देखो बच्चों ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब यहां वोल्टेज जीरो, यहां वोल्टेज जीरो, मतलब कि यहां का जो वोल्टेज होगा वो टोटल इस सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। दूसरा ये वाला रजिस्टर अब इससे करंट ड्रॉ कर रहा है, देखो ये की क्लोज का है, तो इस वाले सर्किट में करंट होगा, इस वाले सर्किट में इधर करंट नहीं होगा, लेकिन ये सर्किट क्लोज है इसमें करंट फ्लो करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वाले सर्किट में करंट फ्लो करने वाला है इसमें, तो अब ये ई समझ आया। अब मैं वी लिखूंगा, वी डायरेक्टली टू एल टू, क्यों? क्योंकि अब हम सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, जब किसी सेल से करंट ड्रॉ करें उस टाइम वी लिखा जाएगा, वी होता है, तो वी डायरेक्टली टू एल टू हो जाएगा, डायरेक्टली को हटाने के लिए आ जाएगा के एल टू, ये इक्वेशन टू हो जाएगा। इतना समझ आया? तो ई आ गया, वी आ गया, और हमें ये पता है वी नो, हम जानते हैं आर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी बाई वी इन टू में कैपिटल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था बच्चों, जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था, तो आर का ये फॉर्मूला है। तो अगर हम क्या करें, इसी और वी को डिवाइड कर ले, वन और टू को डिवाइड कर ले, इसको तो मैं हटा देता हूं, इन चीजों को तो आपको पता ही है, तो पहले मैं डिवाइड कर देता हूं एक बार, डिवाइड इक्वेशन वन बाई टू, ई बाई वी आ जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, एल वन बाई एल टू, तो ई बाई वी हो जाएगा एल वन बाई एल टू, ये इक्वेशन थ्री हो जाएगा। अब बच्चों हमें पता है वी नो, हम जानते हैं आर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी बाई वी इन टू में कैपिटल आर। आर का ये फॉर्मूला था इंटरनल रजिस्टेंस जब हमने पढ़ा था,
तो उसके रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन भी की थी, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो स्मॉल आर हो जाएगा बच्चों ई बाई वी माइनस वी बाई वी वन हो जाएगा, इंटू में आर हो जाएगा। ई बाई वी का वैल्यू क्या होगा, एल वन बाई एल टू हो जाएगा। ई बाई वी हो जाएगा एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू में आर। अब कैपिटल आर जो आपने यहाँ कनेक्ट किया है ये वैल्यू नोन है, और जो बच्चों ये लेंथ L1 L2 है ये भी आपके लिए नोन है, स्केल से देख लेंगे। तो हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप किसी भी प्राइमरी सेल का EMF भी कैलकुलेट कर सकते हैं या उसका टर्मिनल वोल्टेज, दूसरा किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की, लास्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, दो प्राइमरी सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। ठीक है, देखो ऊपर का सर्किट मैं नहीं बना रहा, ऊपर का सर्किट सेम रहेगा, जो ऊपर का है इधर बैटरी एमीटर रियोस्टेट फोर वायर वो सब कुछ सेम है, बस नीचे चेंज आएगा वो बना रहा हूं। एक बार क्या करना है, एक सेल लगाना है, एक बार ये सेल लगाना है, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ ये जॉकी है, इसका ईएमएफ ई वन है, इसका ई टू है। ठीक है, ये है, इन दोनों प्राइमरी सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। ऊपर का सर्किट कंप्लीट है, सपोज करो एग्जाम में ये एप्लीकेशन आती है तो ऊपर का वो बनाना है आपको। ठीक है, वैसे नीचे ये बनाना है, एप्लीकेशन के हिसाब से नीचे वाला पोर्शन चेंज होता जाएगा, ऊपर का सेम रहेगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, एक बार इस की को कनेक्ट करना है इसको, और एक बार इन दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, व्हेन ई वन कनेक्ट विद गैल्वेनोमीटर, जब ई वन को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, और सपोज करो बैलेंस पॉइंट आपको कहां मिला, एल वन के ऊपर, मतलब कि गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन कहां दिखाया, एल वन पे, ऐसे टच करेंगे सपोज करो एल वन पे दिखाया। When E1 connect with galvanometer, then it show zero deflection at L1. And when connect with E2, then it show zero deflection at L2. जब इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ लाइक दिस, तो ये जीरो डिफ्लेक्शन सपोज करो यहां दिखाएगा L2 पे। तो जब E1 को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो L1 पे, E2 के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैलेंस पॉइंट L2 पे। अब इन दोनों सेल से जब हम करंट इनको कनेक्ट करते हैं तो इनसे कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, जैसे आपने E2 को कनेक्ट किया ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो इस वायर में कोई करंट नहीं होगा, जब आप E1 से कनेक्ट करेंगे तो इस वाली वायर में भी कोई करंट नहीं होगा जब ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो जब किसी सेल से कोई करंट ड्रॉ हो ही नहीं रहा, उसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो मैं EMF लिखूंगा, अगर करंट ड्रॉ कर रहे हैं उससे तो V लिखूंगा। तो दोनों ही केस में E लिखा जाएगा, फर्स्ट केस में E1 डायरेक्टली टू L1 हो जाएगा, डायरेक्टली को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड केस में क्या होगा, E2 डायरेक्टली टू L2 हो जाएगा, डायरेक्टली को हटाने के लिए K आ जाएगा, KL2 आ जाएगा। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। देखो इंटरेस्ट वीडियो में तभी बनेगा बच्चों जब आप वीडियो रेगुलर देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। ये नहीं है दो मिनट देखा कुछ समझ नहीं आया, जब तक एंड तक नहीं देखेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, अब आपका पर्पस था E1 E2 को कंपेयर करना, तो दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड इक्वेशन वन बाई टू, वन को टू से डिवाइड करेंगे E1 बाई E2 आ जाएगा,
ये आ जाएगा के एल वन के एल टू, के से के कट जाएगा, ई वन बाई ई टू, के से के कट जाएगा, एल वन बाई एल टू। तो बच्चों आपके पास आ गया ई वन बाई ई टू, आ गया एल वन बाई एल टू। देखो कंपेयर करने का मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये पता कर रहे हैं किसका ईएमएफ एक दूसरे से कितना टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल एल वन आ गया 20 सेंटीमीटर और एल टू आ गया 40 सेंटीमीटर, तो आपका ई वन बाई ई टू कितना आ गया 20 बाई 40 आ गया, मीन्स 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई टू है वो ई वन का ट्वाइस है, ई टू इज टू टाइम्स ऑफ ई वन, मतलब ये कंपेयर हो गए कौन किससे कितना टाइम्स है, डबल है हाफ है, ये कंपेरिजन हो जाता है। और लेंथ तो आप नोन कर ही लेंगे, लेंथ तो यहाँ से स्केल से देख लेंगे कि एल वन का कितना है और एल टू कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड अप्लीकेशन है, ये बहुत सिंपल थी, एक बार ई वन को कनेक्ट करो एक बार ई टू को कनेक्ट करो। अब मैं बात कर रहा हूँ सेंसिटिविटी ऑफ आ पोटेंशियोमीटर, उसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। तो अब बच्चों हम बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ आ पोटेंशियोमीटर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी देखनी है। सेंसिटिविटी मैंने सबकी बताई है, व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था कि फोर रजिस्टर सेम ऑर्डर के हों, मीटर ब्रिज में बताया था कि जो बैलेंस पॉइंट हो वो एग्जैक्टली मिड पे हो। और अब बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। देखो सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी हाई है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी हाईली सेंसिटिव, पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी हाईली सेंसिटिव इफ इट मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ए पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी हाईली सेंसिटिव इफ इट मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। वैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो जितनी छोटी से छोटी वैल्यू को भी अगर एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है तो समझ लेना उसकी सेंसिटिविटी हाई है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे आपके घर में जो फिजिकल बैलेंस होता है, जैसे सभी के घरों में होता है फिजिकल बैलेंस, अब यहां 2 kg का वेट है और यहां पे हम राइस रखते हैं, तो आपने देखा होगा घर पे जब भी हम वेट करते हैं 2-4 ग्राम ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, नहीं 2 ग्राम आपने फालतू दे दिया उसको या 2 ग्राम इसको कम दे दिया तोल के वेट करके, ठीक है। तो इसकी सेंसिटिविटी लो है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा आपको, कुछ ना कुछ एरर देगा, या तो ये 2-3 ग्राम आपसे ज़्यादा ले जाएगा या कम ले जाएगा, बस आप देखोगे हाँ हाँ ये आ गया सेंटर में, यही देखेंगे। लेकिन बच्चों जो मार्केट में वेइंग मशीन आ रही है, आप शॉप पे जाते हैं तो आजकल तो मशीन आ गई है, उसमें 1 ग्राम की मिस्टेक भी नहीं होती, 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा जाता है तो रीडिंग फालतू आ जाएगी कि 1001 हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब वेइंग मशीन की सेंसिटिविटी हाई है, वो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को भी क्लियर कर रहा है, आपको एक्यूरेटली रीडिंग दे रहा है। तो यही बात इसमें हम पोटेंशियोमीटर में करने वाले हैं। अब हमारा सवाल ये है बच्चों पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए। हमारा टारगेट है, पोटेंशियोमीटर का मतलब होता है बच्चों वी इजल्स टू के एल, हम चाहते हैं ये कम से कम वी मेजर करें, हमारा टारगेट है ये मिनिमम हो, मिनिमम हो। इसको मिनिमम करने के लिए हमारा टारगेट है ये पूरा मल्टीप्लाई मिनिमम हो, तो के और एल का मल्टीप्लाई अगर मिनिमम आएगा तो वी मिनिमम से मिनिमम भी मेजर हो जाएगा, ठीक है। अब के और एल का मल्टीप्लाई मिनिमम है तो हम चाहेंगे एल तो ज्यादा से ज्यादा हो, अगर लेंथ मान लेते हैं 0.2 सेंटीमीटर हुआ तो उसे एग्जैक्ट मेजर करने में प्रॉब्लम आएगी, जैसे सेंटीमीटर का स्केल होता है 0, 1, 2, 3।
अगर डिफ्लेक्शन यहीं पे मिल गया तो इस लेंथ को तो मेजर करने में दिक्कत हो सकती है। अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पे आया 40 सेंटीमीटर पे आया तो एल तो आप इजीली मेजर कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है एल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि एल ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ होगा जीरो से जितनी भी वायर है तो आप एल मेजर कर पाएंगे। अगर सपोज करो एल आ गया 0.001, अब इतनी स्मॉल लेंथ को कहाँ से मेजर करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एमएम के डिवीज़न होंगे, अगर एमएम से भी छोटी लेंथ आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी एल में ही। तो हम चाहेंगे एल की वैल्यू लार्ज हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मिनिमम होना चाहिए। एल को लार्ज रखना है ताकि रीडिंग देख पाए, तो के को क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम। भाई ये भी लार्ज, अगर के भी लार्ज कर दोगे तो फिर मल्टीप्लाई तो लार्ज हो जाएगा, मिनिमम कब होगा? ये ज्यादा है तो इसे कम रखना पड़ेगा ताकि दोनों का वैल्यू इसके बराबर रहे। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर आना चाहिए। अब एल हम चाहते हैं ज्यादा हो तो हमारा टारगेट होगा के कम हो, तो ये हाईली सेंसिटिव तब होगा जब के क्या हो? मिनिमम। वी कैन इंक्रीज, वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बाई डिक्रीजिंग के, मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है ना के, के का नाम क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों के को डिक्रीज करके पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये आता है के को कैसे घटाया जाए, के को डिक्रीज कैसे किया जाए। के कैन बी डिक्रीज, फर्स्ट पॉइंट, के का फॉर्मूला याद करो, वी बाई एल होता है आई रो बाई ए। ये दो फॉर्मूले आए थे, ये प्रिंसिपल में आया था दोनों ही, आई रो बाई ए को हमने के लिखा था और वी बाई एल भी के ही होता है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, लेंथ बढ़ाएंगे तो के कम हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था जितनी ज़्यादा लेंथ होगी के उतना ही कम होगा और उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। करंट को कम करके भी के को कम कर सकते हैं, इनको जनरली फिक्स रखते हैं। रो और ए तो फिक्स हो जाते हैं ना, एक बार वायर डिजाइन कर दी उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई, वायर का एरिया भी फिक्स हो गया, एक्सपेरिमेंट में थोड़ी ना वायर को बार बार चेंज करते हैं, तो ये दोनों तो फिक्स ही होते हैं। ठीक है, तो करंट को तो चेंज कर सकते हैं रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को चेंज करके, तो ये दोनों हमारे टारगेट रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है के को डिक्रीज करना है तो बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करके बच्चों, और दूसरा है एल को इंक्रीज करके, बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की लेंथ बढ़ा के भी ये काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था 4 वायर 6 वायर और 12 वायर पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो नोट डाल लें जो आपको याद रखना है। नोट, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे ड्राइवर सेल लगाया था और यहाँ पे प्राइमरी सेल लगाया, इन दोनों का सेम साइन यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको बैलेंस पॉइंट चाहिए तो आपने ड्राइवर सेल का यहाँ पॉजिटिव है तो प्राइमरी सेल का भी यहाँ पॉजिटिव ही होना चाहिए। देखो दोनों सेल के पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तभी दोनों में करंट अपोजिट होगा, तभी इसका करंट इसके करंट को कैंसिल करेगा, तभी इस वाली वायर में करंट जीरो होगा, तभी आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा पाएगा। भाई इसका करंट इधर आएगा, इसका प्लस से ऐसे स्टार्ट होगा, तभी तो दोनों का करंट अपोजिट होगा, तभी तो चांसेस बनेंगे कि इस वायर में करंट जीरो हो, तभी तो ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो अगर आप चाहते हैं बैलेंस पॉइंट ऑब्टेंड हो, कई बार क्या होता है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो रहा, तो उसे बोलते हैं वन साइडेड डिफ्लेक्शन। तो कंडीशन ऑफ वन साइडेड डिफ्लेक्शन,
वन साइडेड डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जीरो होता है, एक ही साइड में डिफ्लेक्शन मिल रहा है। आपने यहां टच किया, इस एंड पे टच किया तो यहां दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, लास्ट वाले एंड पे टच किया तो भी इधर ही दिखा रहा है। देखो इस एंड पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर इधर दिखाना चाहिए, दूसरे एंड पे कनेक्ट करने के बाद डिफ्लेक्शन इधर दिखाना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ बीच में जीरो भी दिखाएगा। तो यहां टच करें तो लेफ्ट में दिखा रहा है, इस वाले एंड पे टच करें तो डिफ्लेक्शन राइट में दिखाना चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में दोनों साइड डिवीजन होते हैं बच्चों। यहां जीरो होता है, इधर 1, 2, 3, 30 तक, 1, 2, 3, 30 तक, तो इस एंड पे लेफ्ट में दिखा रहा है तो इस एंड पे राइट में दिखाना चाहिए, तभी तो बीच में जीरो आएगा। लेकिन दोनों ही एंड पे एक साइड में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो समझ लेना बैलेंस पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। तो इस बैलेंस पॉइंट ना मिलने की क्या कंडीशन है? कंडीशन ऑफ वन साइडेड डिफ्लेक्शन और व्हेन वी डज नॉट ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट, और कब हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, तो उसके पॉइंट देखो। जब आपने इनके अपोजिट कनेक्ट कर दिए, इसका प्लस इसका माइनस, तो आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका करंट और इसका करंट सेम डायरेक्शन में होगा, कभी भी इसमें करंट जीरो नहीं होगा। तो आपसे ये पूछा जाए कि बैलेंस पॉइंट कब मिलेगा, तो इसका उल्टा करके लिखना पड़ेगा। अब मैं वो पॉइंट लिखवा रहा हूं कब नहीं मिलेगा, ठीक है? व्हेन अपोजिट टर्मिनल ऑफ प्राइमरी एंड ड्राइवर सेल कनेक्ट विद कॉमन पॉइंट। जब इनके अपोजिट टर्मिनल जब आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको बैलेंस पॉइंट कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाना कितनी वायर लगा लेना। दूसरा पॉइंट कब नहीं मिलेगा, ये आपने 10 वोल्ट की लगा रखी है और मेजर करने चले 20 वोल्ट, प्राइमरी सेल का ईएमएफ अगर ड्राइवर से ज़्यादा हो गया तो भी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वायर में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 लगा दिया आपने, कितना 20, तो प्राइमरी जिसका ईएमएफ मेजर कर रहे हैं उसका ईएमएफ ड्राइवर सेल से कम होना चाहिए, और अगर कम नहीं हुआ ज़्यादा हुआ तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो कब नहीं मिलेगा, व्हेन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल। तो ये कंडीशन है जब आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कब, दोनों के सेम साइन होने चाहिए और जो प्राइमरी सेल है उसका ईएमएफ कम होना चाहिए, इन्हीं का उल्टा। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।